हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको पपीते का चटनी बनाकर दिखाऊंगी। मैंने हाफ पपीते से चटनी बनाया है। सबसे पहले इस पपीते को छीलकर अच्छे से धो लें। उसके बाद पपीते को छोटे छोटे और एकदम पतले टुकड़ों में आप काट लें। पपीते का चटनी खाने में बहुत अच्छा लगता है, एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें। अब एक ग्लास के करीब आप पानी गैस पर चढ़ा दें और उसमें कटे हुए पपीते को डाल दें। अब पपीते को अच्छे से पकने दें। पपीता एकदम आलू की तरह होता है और बहुत ही जल्दी पक जाता है। अब चाशनी बनाने के लिए 4 बड़े चम्मच चीनी ले लें और जितना चीनी है उसके आधा आप पानी ले लें और उसमें चीनी को डाल दें। अब 8 से 10 किशमिश ले लें। अब चीनी को अच्छे से पकाना है। अब चीनी को चलाते हुए धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाएं। इस चाशनी एक तार की बनानी है। एक तार की चाशनी मेरी तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि सीरा बन चुका है। मैं ये आपको देखिए, एक तार की चाशनी पूरी बन रही है। अब चाशनी तैयार है। अब इसमें कटा हुआ पपीता डाल दें और ऊपर से किशमिश आप ऐड कर दें। उसके बाद इसको चाशनी में पपीते को कम से कम 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं। चाशनी को अच्छे से पपीते में मिला देना है ताकि चाशनी अंदर तक पपीते में पहुंच जाए। अब ये पपीते का चटनी तैयार है। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। इसे रोटी या पराठे के साथ खाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।